भाई जी देखिए सुबह के 3 नमस्कार, मैं अभिराज डोबरिया लेके आया हूँ आपको हर की पैड़ी हरिद्वार में। और आज का दिन मैं आपको बताऊँ तो टुडे इज द बेस्ट डे इन माय लाइफ। और आज का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज मंदिर प्रांगण में पहुंचा हूँ। तो आगे क्या होता है मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, कौन कौन से यहाँ पर घाट है और कितनी मान्यता है और यहाँ पर कई देवी देवता भी आ रखे हैं। सो गाइस आप ब्लॉग में बने रहे, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स गो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है भागीरथी सेतु हर की पेड़ी अस्थि प्रवाह घाट ब्रह्मकुंड हर की पेड़ी। भाई जी देखिए सुबह के 3 बज रहे हैं और ठंडे पानी में गंगा नदी में आस्था इतनी है कि अभी नहा रहे हैं। ये क्लॉक टावर है, घंटा कर रहे हैं। ये आस्था नहीं तो और क्या है। सुबह 3 बजे गंगा माता का ठंडा निर्मल जल। यहाँ पूजा अर्चना होती है। जय गंगा भैया। नॉर्मली आपको जो हर की पैड़ी यहाँ पर इतना शांत और मतलब उतना भीड़ नहीं है यहाँ पे। मोस्टली यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और दिन में तो ज़्यादा होती है। यहाँ पर अभी गंगा स्नान कर रहे हैं, कोई पिंडदान करवाने आ रखे हैं, तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। काफ़ी मान्यता है हरिद्वार की जो कि आपको पता ही है। काफ़ी कुछ कहानियाँ भी हैं यहाँ की जो कि मैं आपको फुर्सत में बताऊँगा एक दिन। तो सुबह सुबह हमने सोचा क्यों ना आरती कर लें, इसी पर रख दो। सुबह 3:15 बजे माँ गंगा के पवित्र स्थान हर की पैड़ी में जीजा जी तो 3 बजे हैं, आप देख सकते हैं घंटा घर पे। भारत के कोने कोने से, भारत ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो ये जनवरी का महीना है गाइस, देख सकते हैं आप कैसे श्रद्धालु यहाँ नहा रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि जिसके मन में भक्ति होगी वो तो भाई स्वाभाविक है नहाएगा ही। काफ़ी श्रद्धालु, पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और अगर मैं आपको जितने यहाँ के बारे में बताऊँ उतना ही कम होगा। और अभी मैं यहाँ पर हूँ जो है ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी में, अभी मैं यहाँ पर हूँ। तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, अभी कई लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं। कहा जाता है कि सुबह के समय 3 से 4 बजे के बीच जब यहाँ पर स्नान करते हैं तो यहाँ की मान्यता है कि आपके सभी पाप धुल जाते हैं। तो आपको स्नान करना चाहिए। हमने मुंह धुला है केवल, तो हमारा जो है तैरने से आ जाएगा। आप तो क्या धुलेंगे हमारे, ठीक है महाराज। तो आप भी आए,
और जरूर एक बार यहाँ पर आप आके अपने पाप धोलें। सुबह 3:30 बजे आपको लेके आया हूँ मैं नाई घाट पे, 3:20। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये सभी पंडित जी के अपने आसन हैं। सुबह के समय मुंडन होता है। ये देख सकते हैं आप, सुबह 3:15 बजे मुंडन हो रहा है। सो गाइस, अभी मैं नाई घाट पे आ रखा हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ नाई घाट में मतलब एक आदमी को मुंडन करने में इनको लग रहा है मात्र 10 मिनट या 5 मिनट, और एक मुंडन का है 100 रुपए। सो गाइस, यू नो व्हाट, 3:20 हो रहे हैं और अभी यहाँ पर मुंडन चल रहा है, एक मुंडन का 100 रुपये। अगर ये 24 घंटे में मिनिमम 50 करते ना भाई, 5,000 रुपये एक दिन का, महीने का कितना हुआ, 1.5 लाख रुपये। ब्लॉगिंग छोड़ के मैं भी मुंडन करता हूँ यहाँ भाई, मैं भी आ जाता हूँ यार, गजब यार, वाह बढ़िया बिजनेस। जय काली माता। स्वीकार करना भगवान दिया है पाठ पूजा भेंट करते हैं ना, करने वाले एक पाठ का भेंट सेवा भगवान का दूध दही अभिषेक पूजा 500 रुपया लगता है, भगवान जुड़े हैं एक पाठ का भेंट आज मकर संक्रांति गुरु हरिद्वार में सबकी ओर से स्वीकार करना इतना पाठ का भेंट करा दे सबके हाथ से, एक पाठ का भेंट, दो पाठ का भेंट, एक पाठ का भेंट, दो पाठ का भेंट, अपना तीसरा स्थान है सब परिवार भेंट सेवा खुशी से स्वीकार ध्यान करना, बोलो अनाधनी देवता आपकी आत्मा को छोड़ो गुरु हरि भगवान।
ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे सुबह हो रही है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं आप, बोलो गंगा मैया की जय। और गाइज आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी भी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है आपको ब्लॉग बनाने के लिए। आप देखिए रात के 3 बजे मैं आपके लिए हर की पैड़ी आया हूँ। तो गाइज इसी तरीके से प्यार देते रहें ब्लॉग्स को, और मुझे भी और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाता हूँ। मतलब हर टाइम बिजी रहता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप घर बैठे ऐसे दर्शन कर पाए कि आप मोक्ष प्राप्ति हो जाए, सबको सबके पाप हर जाए, सबको खुशियाँ मिले। मैंने यहाँ सबके लिए मनोकामना मांगी है कि सब खुश रहे, सब स्वस्थ रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आके। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले गुड बाय।